नमस्कार साथियों, आशा की बगिया चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, लगभग एक सप्ताह पहले यहाँ पर हमने जो खरपतवार होते हैं उनका कटवैक किया था, तो यहाँ पर देखेंगे कि क्या स्थिति चल रही है। जिन साथियों ने कटवैक वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो कटबैक में साथियों कोई हमें परेशानी नहीं आई, बस घास जो थी हमारे एक्स्ट्रा जो हमें नहीं चाहिए थे वो पेड़ पौधे हमने काट के यहीं पे सुला दिए थे। तो ये देखिए अब इनमें फलियां शुरू हो चुकी हैं। ये देसी ग्वार फली है, ये देखिए सभी में लगभग आ रही हैं। एक बार तो मैं तोड़ भी चुकी हूँ यहाँ से, हालांकि बहुत कम मिली थी, दो चार ही मिली थी मुझे। तो ये बरबटी जिसे चौला बोलते हैं, यहीं पर सौंफ भी हो रही है ये देखिए। और यहाँ पर ये आप गुलाब देख रहे हैं, देसी गुलाब, और ये ऊपर नीम देख रहे हैं, उससे आगे ये एक बेल है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी इसका, खुशबूदार इसके फूल होते हैं। और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे इन पे फूल शुरू हो चुके हैं, पहले ये काफ़ी छोटे छोटे थे। ये देखिए एक बेल, ये काफ़ी छोटी थी ये सप्ताह भर पहले, लेकिन कटबैक के बाद में ये देखिए इसको फैलने का मौका मिल गया है, तो काफ़ी बड़ी हो गई है। ये देखिए अब कितना अच्छे एकदम बाहर आ गई हो जैसे इनके ऊपर, इस तरह से ये बढ़ रही हैं। यहाँ पे पिछली वीडियो में आपने देखा था तो ये टमाटर दिख ही नहीं रहे थे, तो अब देखिए कितने ये बड़े हो गए। और ये तोरी, ये बेल जो है बहुत छोटी सी दिख रही थी, अब देखिए इसमें से दो इसके नाल शुरू हो गए और कितनी ये फैल चुकी है। बेलें बहुत तेज़ी से फैलती हैं, लेकिन जैसा कि ये राजस्थान नागौर की भूमि है, कमज़ोर भूमि है, हालांकि अब समृद्ध हो रही है धीरे धीरे। तो देखिए भिंडी कितनी अच्छी हेल्दी ये दिख रही है, तब तो बहुत छोटी थी, दिख ही नहीं रही थी, अब तो ये थोड़ी दिखना शुरू हो गई है। और ये देखिए बरबटी कितनी शानदार ये बरबटी इस पर लग रही हैं, यहाँ पर भी फलियाँ शुरू हो चुकी हैं। ये अनार, ये सभी साथियों जंगली तरीके से हैं, दो साल से यहाँ पर हमने ज़मीन को बिल्कुल भी खोदा जोता नहीं है। हम छोटे एरिया में अपने खाने लायक साग सब्जियाँ बिना ज़मीन को छेड़े बहुत आसानी से कर सकते हैं और लगातार उनमें से कुछ ना कुछ लेते रह सकते हैं। जैसे कि अभी आप ये यहाँ पर खाली ज़मीन देख रहे हैं, काफ़ी खाली ज़मीन पड़ी है, तो यहाँ पर हम भिंडी लगा सकते हैं, अदरक, हल्दी, सूरन, शकरकंदी, ऐसी फसलें भी हम नीचे नीचे लगा सकते हैं। भिंडी ऊपर आ जाएगी और नीचे शकरकंदी या सूरन, अभी तो शकरकंदी का खैर टाइम नहीं है, लेकिन सूरन है उसका टाइम है, हल्दी अदरक उनका टाइम है, तो नीचे हमारी हल्दी अदरक हो जाएगी, ऊपर भिंडी हो जाएगी, और मिर्च लगा सकते हैं साइड में, हल्दी के साथ मिर्च बहुत अच्छे से होती है, तो हमें ऊपर से भी मिल जाएगा और नीचे से भी हमें फसलें मिल जाएंगी। और ये हम अपनी किचन गार्डनिंग में भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे बेड टाइप के होते हैं, ईंटों से हम बना लेते हैं, तो उसमें इस टाइप का हम मॉडल बनाएं तो हमें लगातार अपने घर के लिए काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, हमें बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं है। ड्रम होते हैं प्लास्टिक के, उनको हम सेंटर से काट के उसमें हम हल्दी लगा सकते हैं, उसी के पास में हम केला लगा सकते हैं, केला के पास में मिर्च लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ही प्राकृतिक होती हैं और हम हमारे अंदर कुछ क्रियात्मक चीज़ें होती रहती हैं, निखार होता रहता है हमारा जब हम प्रकृति से इस तरह से हम जुड़ते हैं। तो बहुत ही अच्छे आप यहाँ ये परिणाम देख रहे हैं मात्र 7 दिन के अंदर। तो साथियों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।